अर्थ प्रकाश देखने में वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम हरियाणा की मौजूदा राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है, कुछ दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा रहे हैं और हरियाणा के सबसे सीनियर राजनीतिज्ञ जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं। जैसे वो जेल से रिहा होकर बाहर आए तो हरियाणा के लोगों के अंदर भी, विशेषकर किसानों के अंदर भी एक ऊर्जा नई संचार देखने को मिली। जैसे उनको पहले लगता था कि कौन किसान आंदोलन की बागडोर संभालेगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जैसे आपको पता है, अलानावा सीट से अपना रिजाइन देकर काफी हद तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की कि वो किसानों के साथ है। लेकिन जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए और किसानों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किसानों से रिलेटेड ही है, क्योंकि वो खुद भी किसान है और उनके पिताजी चौधरी देवीलाल जी का किसानों के प्रति किस तरह का मोह था ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। और जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए और उन्होंने बाहर आते सार ही गाड़ी में बैठते हुए ये संकेत दे दिया कि वो किसानों के साथ गांव-गांव जाकर वो उनसे वार्तालाप करेंगे। और जैसे आपको पता है कि हरियाणा के जो मौजूदा सरकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन है, कुछ दिन पहले से उनके लिए भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी किसान आंदोलन के अंदर। जैसे आपको पता है कि किसानों ने किस तरह से सरकार के मौजूदा जो गठबंधन है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका किस तरह से विरोध कर रहे हैं किसान जगह जगह पर। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में पता है कि सभी को कि वो राजनीति के एक एग्रेसिव तौर पर करते हैं और उनके बारे में, और जो हरियाणा की जो मौजूदा स्थिति है, जैसे हम कहें हरियाणा के अंदर सबसे आज की डेट में जो सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। और उनके बारे में एक बात, क्या हम ये विश्लेषण कर रहे हैं आज, ये कयास लगा रहे हैं, लेकिन जो चौटाला की हम कहते हैं कि मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो अपनी चाल और दाव किसी को नहीं बताते, वो वक्त आने पर, सही वक्त आने पर वो अपनी दाव खेलते हैं। लेकिन हम सब कयास लगा सकते हैं, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए, अब हम यहां पर तीन चीजों से बात करेंगे कि किसानों पर, सरकार पर और उनकी मौजूदा कार्यशैली किस तरह से करेंगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की। किसानों को एक लीडर की जरूरत थी, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसानों को लीडर की जरूरत थी, चौटाला साहब को किसानों की जरूरत थी। जैसे चौटाला साहब जेल से बाहर है, उन्होंने अपना संकेत दे दिया कि वो किसानों के साथ घर घर जाकर उनसे बातचीत करेंगे, यानी उन्होंने अपनी ये स्थिति स्पष्ट कर दी। अब हम दूसरी स्थिति बात करेंगे। जैसे हमको पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं, वो कभी गठबंधन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जब वो जेल गए थे तब परिस्थिति अलग थी, जैसे ही वो जेल से बाहर है आज वो परिस्थिति अलग है, क्योंकि उनके दोनों सपुत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एनएलओ का बागडोर संभाली और चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जजपा की अपनी पार्टी बनाई और सरकार के अंदर इस वक्त दुष्यंत सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। और यहाँ पर देखने की आज जैसे चौटाला साहब बाहर आए और जैसे हम लोगों के बीच में ही जाते हैं, लोग कहते हैं कि शेर आया, एक उनका एक अग्रेसिवनेस जो जनता के बीच में जाएगी आने वाले दिनों के अंदर देखने मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो शख्सियत जो कभी समझौतों की राजनीति नहीं करते, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव पर आप देखेंगे कि उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो कि वो अपने परिवार के में जो मनमुटाव है, परिवार को इकट्ठा करके एक नई दिशा करके वो पार्टी को सुदृढ़ करें। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, आज अभी हम फिर कहने की एक कयास है, ये भी हो सकता है कि वो जजपा से बातचीत करके, ये भी कह सकते हैं सरकार के साथ गठबंधन तोड़कर और उसके बाद वो सरकार नहीं, वो हम बात इसलिए हम आपको स्पष्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि चौधरी बंसीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला के साथ INLD का गठबंधन किया, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने उस सरकार से गठबंधन तोड़कर जनता के बीच में गए, क्योंकि चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक ही एम होता है, जैसे हम जो विरासत में जो स्लोगन होते हैं उनके पिता के कि लोक राज लोक लाज से चलता है, इस तरह से वो जनता के बीच में जाना शुभ समझते हैं और जनता भी उनको प्यार देती है और द्वारा सरकार में विराजमान करती है। एक ये रास्ता है कि वो जजपा और INLD को मिलाकर गठबंधन को दूर करके सरकार, इसमें सरकार से अपना प्रस्ताव वापस लेकर, और जब वो स्थिति होगी उस स्थिति के अंदर 6 महीने के बाद आम चुनाव होंगे हरियाणा के अंदर, और उस स्थिति के अंदर
चौटाला ओम प्रकाश चौटाला द्वारा से सत्ता के अंदर मेजोरिटी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इस वक्त किसानों को भी पूरी एक लीडर की जरूरत है। दूसरा रास्ता ये है कि जो INLD जिसके मौजूदा स्थिति में अगर हम देखें विधानसभा में कोई भी MLA नहीं है, लेकिन चौटाला वो शख्सियत जो जीरो से हीरो बनना आता है, उनको राजनीति का इतना बड़ा अनुभव है कि उस पार्टी को वो इकट्ठा करके तो उसको एक नए मुकाम पर हासिल करें, उनके लिए एक चुनौती है। लेकिन ये चुनौती आने वाले 3 साल जो हमारे अभी सरकार के रह गए हरियाणा के अंदर, वो जो टाइम पर आम चुनाव होंगे वहां पर उनको INLD सुदृढ़ करके एक अलग से उनको एक हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने में बहुत काफी हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि उस स्थिति में INLD हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से द्वार से फिर हरियाणा के अंदर आ सकती है। लेकिन ये 2 रास्ते हैं, लेकिन 2 रास्तों को वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे ये सभी के जहन में है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये हम कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर एक महाभारत की बिसात बिछ चुकी है, एक शतरंज बिछ चुकी है, लेकिन वो शतरंज के जो मझे हुए खिलाड़ी हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज जेल से बाहर आ चुके हैं, और ये जनता के लिए और जनता भी पूर्ण रूप से तैयार बैठी। आप देख रहे हैं जनता के मन में क्या है आने वाले दिनों में होगा, लेकिन ये सब कयास थे। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये बात तय है कि आने वाले दिनों के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जनता के बीच जाएंगे, और वो पूर्ण रूप से कोशिश यही होगी कि वो सरकार द्वारा से बना सकें। ये हमारी एक विश्लेषण था, हम विश्लेषण कह सकते हैं, कि उनके आने के बाद ये तो तय है कि काफी हद तक ऐसा भी हो सकता है कुछ लीडर जो पुराने चले गए वापस इसमें आ जाएं, लेकिन वो दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता अपनाएंगे ये भी हो सकता है कि उनके मन में कोई तीसरी और बात हो, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति को कोई नहीं समझ सका आज तक, वो वक्त आने पर क्या दाव खेलेंगे ये सिर्फ उन्हीं को पता है, हम सब कयास लगा सकते हैं। ये हरियाणा की जो मौजूदा स्थिति है इस पर हमारे एक विश्लेषण आज अर्थ प्रकाश करता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।